चंडीगढ़ से सांसद और अभिनेत्री किरण खेर ने चंडीगढ़ में मीडिया को संबोधित किया। किरण खेर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि चंडीगढ़ में रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही पुलिस को और भी ज्यादा मुस्तैद किया जा रहा है। देखिए, सख्ती कानून तो बहुत सख्त है और हमारी पुलिस फोर्स ने बहुत जल्द पकड़ लिया उनको, यूपी से पकड़ाया शायद, और पकड़ के ले आए उनको यहाँ पर और उन पर कार्रवाई भी होगी। और बधाई देती हूँ सबसे पहले तो मैं पुलिस को कि उन्होंने इतनी जल्दी इसका पकड़ लिया और उनको ले आए। किरण खेर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐप लॉन्च की भी बात कही। उन्होंने कहा कि अब वक्त बदल गया है, लड़कियाँ खुद आगे आकर कंप्लेन कर रही है। ऐप भी जारी किया था कुछ साल पहले, मैंने ही उसको लॉन्च किया था, जिसमें देयर वाज अ नंबर, देयर वाज एन ऐप व्हिच यू हैव टू डाउनलोड फॉर विमेन सेफ्टी। और अगर जब वो बैठती है कार में तो वो उसको एक्टिवेट कर दें, या बैठती है स्कूटर रिक्शा में या किसी टैक्सी में, तो उसका कनेक्शन था विद द मॉनिटरिंग मेन रूम और उनको पता चलता कि ये इंसान यहाँ जा रहा है। हेल्प इज नीडेड, देयर इज अनदर बटन एंड आई थिंक एवरी गर्ल शुड डू दैट, बिकॉज जमाना बहुत खराब है। ये सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं हो रहा, बहुत जगह हो रहा है। एक बात की मुझे खुशी है कि लड़कियां बोल्ड हो गई हैं और वो कंप्लेंट कर रही हैं इसके बारे में। पहले भी होता था, लोग शर्म के मारे चुप हो जाते थे, बोलते नहीं, बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए। किरण खेर ने लड़कियों को सतर्क रहने की भी सलाह दी, साथ ही साथ उन्होंने चंडीगढ़ में चल रहे नाजायज ऑटो का भी मुद्दा उठाया। किरण खेर ने लड़कों को अपना नजरिया बदलने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर नजरिया बदलेगा तो समाज खुद बेहतर हो जाएगा। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।